दीपावली की देर रात नवीन महवा फल मंडी में अज्ञात कारणों से लगी आग से करीब 17 दुकानें जलकर खाक हो गईं। शुक्रवार की सुबह घटनास्थल का एसएसपी विपिन ताड़ा सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके संबंध में वहां के दुकानदारों ने बताया कि सभी दुकानदार पूजा पाठ कर अपने घर को चले गए थे। रात में सूचना मिली कि दुकान में आग लग गई है। करीब 11:30 बजे रात को सभी लोगों ने मंडी में आकर देखा कि आग लगने से सभी कीमती सामान बही खाता तथा अन्य चीजें जलकर खाक हो गई हैं। इस दौरान फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलाया गया तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग को काबू किया। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों का मिलाकर करीब 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार शिव कुमार तथा अशोक कुमार सोनकर और स्थानीय ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, कैसे बवाल छिंच गया सर ये उसी से जरा दिया से। हाँ, हमारे दुकान में दाग भी जो है जला ला। पूरी समय के लिए 5 करोड़ 22 दुकानें कुछ नहीं बचा। कोई कहा नहीं आता समझ। अरे सर, आदमी बच गए नहीं तो लोग बंद करके ताला अंदर से ताला बंद कर। एक आदमी को खाली आग लगा, वो निकल नहीं पा रहा था, तो किस तरह कूद के निकला है उसी को खाली एक आदमी को जला था। बाकी कोई आदमी का कुछ हुआ नहीं। सर क्या करेंगे, अपने सेफ्टी के लिए सब सो जाते हैं, नींद लगती है। भाई अंदर से ताला लगा लेना, अंदर के ताला लगा है। लगा हुआ है, अंदर लगा सो रहे हैं। अब आग लगेगा जानते करते जब कुछ होता है अपने घर पड़ता तो अपने Here we go.
ये महवा फल मंडी से मैं बोल रहा हूँ, गोरखपुर। मेरा नाम अशोक कुमार सोनकर है, मेरी फर्म जो है अशोक कुमार सोनकर एंड कंपनी के नाम से है। और यहाँ हम लोग का करीब पूजा पाठ करके हम जैसे निकले हैं तो हम लोग का ये घर पे सूचना गया है कि मतलब एक आग लग गई है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लगातार आग पता चला तो मैं आया हूँ। तो उसके बाद सारी चीज़ें सब जल के राख हो चुकी थी, ये आग बुझाने वाली लेट में आई। दूसरी चीज़ है, हमारी जितनी बही खाता है जो जितनी चीज़ें सारी चीज़ जल गई हैं, और हमारा एक स्टाफ भी इसमें रहता था, भागते समय उसको गले का चमड़ा वमड़ा जल गया है, तो उसको मेडिकल ले जा करके ये सदर में दिखला करके उसको हम घर भेज दिए हैं। कितने तक की? 5 करोड़ सुपर सारी दुकान की होगी। कोई अधिकारी आया मेरे से? जी सर, वो आए थे, आश्वासन दिए, थोड़ा सा हम लेट में इस समय आए हैं, बाकी यही सब चीज़ है। और देखे रहे सब, ये सब कैश काउंटर ये जितनी भी थी सारी चीज़ समाप्त हो गई, कुछ बचा ही नहीं है। शिव कुमार, ये रात को 11 बजे आग लगी है, क्या मान लेते इस तरह से आग लगी है? अब कुछ तो कहा नहीं जा सकता है, रात में जो है लेबर लोग सोए रहते हैं अपना, वही लोग बता सकते हैं कि कैसे आग लगा कैसे नहीं। ये आपकी दुकान है? जी, हमारी छेदीलाल एंड कंपनी। कितने तक नुकसान हुआ? इसमें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। सब आए निरीक्षण किए हैं, कुछ क्या कह रहे हैं? अब तो भीड़ में सुने नहीं हम क्या कहे। निश्चित है वहाँ व्यापारियों का नुकसान हुआ है, हमने खुद जाकर के मौके पर देखा, सिटी मजिस्ट्रेट भी आए थे, और उसका आकलन किया जाएगा, जो मंडी के उसमें दर्ज होगा रजिस्टर में उनको तो मुआवजा मिल जाएगा 2 लाख रुपए। लेकिन कुछ छोटे फुटकर दुकानदार हमारे हैं, उनके लिए प्रयास किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, कुछ उनको भी जो नुकसान हुआ उसका कुछ भरपाई। करीब 19 दुकानें हैं, 19 दुकानें हैं वहाँ पर।